देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के ताजा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने CBSE को सलाह दी है कि वह पहली से लेकर के आठवीं कक्षा तक की सभी छात्रों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के ही पास करे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE को मैंने सलाह दी है कि ये पहली से लेकर के आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में उत्तीर्ण करे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक के बाद एक किए गए सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि नौवीं कक्षा के स्टूडेंट्स को स्कूल असाइनमेंट के आधार पर अगली कक्षा में पास किया जाए, वो पहली से लेकर के आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि नौवीं कक्षा और ग्यारहवीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेड के आधार पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जरिए अगली कक्षा में पास किया जाए। आगे मंत्री निशंक ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बार प्रमोट नहीं हुए छात्र स्कूल के स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन के चलते CBSE की कई परीक्षाएं बची रह गई थी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने ट्वीट करके कहा कि COVID-19 के संक्रमण की मौजूदा स्थिति और छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने CBSE बोर्ड को केवल 29 मुख्य विषयों की बोर्ड परीक्षाएं ही आयोजित करने की सलाह दी है। CBSE केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा कराए जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल लेने के लिए जरूरी हो। इधर CBSE ने कक्षा 10 और 12 की रिशेड्यूल बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में सूचना जारी की है। CBSE बोर्ड ने कहा है कि अब इस स्तर पर बोर्ड के लिए परीक्षाओं का नया शेड्यूल तय करना और उसकी घोषणा करना काफी मुश्किल हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं के संचालन की बाबत कोई भी फैसला उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के साथ ही प्रवेश परीक्षा और प्रवेश तारीखों का ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा शुरू करने से पहले सभी हितधारकों को लगभग 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। मालूम हो कि इस समय देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 14 अप्रैल तक खत्म होना है। ऐसे में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, यहाँ तक कि देश के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए कई राज्यों की सरकार ने पहले ही पहली से लेकर के आठवीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा कर चुकी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आज यानी 1 अप्रैल को बीते 24 घंटे के अंदर इस जानलेवा वायरस के संक्रमण के 386 केस सामने आए हैं। ये मामला अभी तक किसी भी एक दिन में सर्वाधिक केस का है। खैर, सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही देश और दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।